Telecude dore san, nache kude jhume san. Telecude dore san, nache kude jhume san. La 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 la. मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग. CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 उमंग. इस कार्यक्रम का शीर्षक है चोरी का पैसा. एक था रवि. रवि आठवीं क्लास में पढ़ता था. एक दिन उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा, रवि बेटे. जी माँ. ये लो 50 का नोट और वो जो बाहर गली के नुक्कड़ पर बुढ़िया काकी का तंदूर है ना. जी. उसे ये नोट तोड़ा लाओ. अच्छा. अभी काम वाली आएगी, उसे खुले पैसे देने हैं मुझे. अच्छा माँ, मैं अभी जाता हूँ. अरे अरे, ये नोट तो ले जाओ 50 का. हर वक्त भागने की लगी रहती है तुम्हें तो. अरे माँ, तुम्हें तो मालूम है कि मैं स्कूल में जो भागने की रेस हो रही है ना, उसमें फर्स्ट आना चाहता हूँ. इसीलिए तो भागने की जल्दी रहती है मुझे. हाँ हाँ, तुम जरूर फर्स्ट आओगे रेस में, अगर तुम जल्दी से 50 का नोट तोड़ा लाओगे तो. समझे? जी. रवि ने 50 का नोट माँ के हाथ से लिया और फिर वहां से 1 2 3 हो गया. गली के नुक्कड़ पर बुढ़िया काकी तंदूर पर रोटी पकाने का काम करती थी. इस वक्त वहां बड़ी भीड़ थी. काकी. ओ काकी. क्या है रवि बेटा? काकी जरा इसका छुट्टा तो देना, माँ ने मंगाया है. अच्छा बेटा. ये लो. ला ला. हाँ, ये ऐसे दे. जी. ला. फिर बुढ़िया ने छुट्टे पैसे रवि को दिए. बुढ़िया की आंखें कमजोर थीं, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि रवि का नोट 50 का है. बुढ़िया ने समझा नोट 100 का है और उसने 100 के छुट्टे रवि को पकड़ा दिए. रवि ने पैसे गिने तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गईं. बुढ़िया काकी ने 50 रुपए के नोट को 100 का नोट समझकर 100 के छुट्टे उसे दे दिए थे. वो खुशी से झूम उठा. उसे लगा कि मुफ्त में ही 50 रुपए की जेब खर्ची मिल गई. रवि घर पहुंचा, माँ को 50 के छुट्टे दिए और वो वहां से फिर अपने दोस्त राजू के पास जा पहुंचा और उसे 50 रुपए दिखाए. अरे 50 का नोट किसका है? मेरा है. हाँ. तेरा? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा है, हम दोनों इससे मजे करेंगे. अच्छा. कल मेला देखने जाएंगे. हाँ. मेला देखने? सच? अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा. हाँ, वहाँ चाट पकौड़ी खाएंगे, झूला झूलेंगे, छोटी रेलगाड़ी की सैर करेंगे, पतंगे खरीदेंगे, खूब मजा करेंगे. हाँ. अरे यार, यार तू मुझे भी ले चलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर ले चलूंगा. इसीलिए तो आया हूँ मैं तेरे पास. तू ऐसा करना, कल सुबह आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा, फिर हम दोनों निकल चलेंगे मेला देखने, ठीक है? रवि और राजू ने 50 रुपए को खर्च करने के लिए मेले में जाने का मजेदार प्रोग्राम तो बना लिया, मगर इससे पहले कि वो दोनों इस प्रोग्राम का मजा उठा पाते कि एक घटना घट गई. अगले दिन राजू जब मेले में जाने के लिए रवि के पास आया तो रवि बाहर गया हुआ था. रवि की छोटी बहन रानी ने राजू को देखा तो बोली, अरे क्या बात है राजू भैया, तुम किसी शादी में जा रहे हो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर? अरे शादी में नहीं, मेले में. सुन, तू किसी को बताएगी तो नहीं? क्या? अरे यही कि मैं और रवि मेले में जा रहे हैं. क्या, मेले में? अरे अरे अरे, अरे धीरे बोल, धीरे. हाँ. मगर रवि भैया ने तो मुझे नहीं बताया. हाँ हाँ, मैंने तो बता दिया ना. अब अपनी माँ को तू मत बताना. हा? अरे राजू के बच्चे, ये तू रानी को क्या बता रहा है? क्यों रवि भैया, तुम मेला देखने जा रहे हो? मैं मेला न, 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 नहीं तो न, मैं कहाँ जा रहा हूँ मेला देखने? क्यों राजू के बच्चे, तूने रानी को क्यों बताया? मैं अभी जाके माँ को बताती हूँ. अरे अरे, क्या करती है रानी?
मेरी चोटी छोड़, नहीं तो मैं चिल्लाकर माँ को बुलाती हूँ। अच्छा भैया, ले भाई ले, मैं तो वो ऐसे ही। रवि भैया, क्या तुम सचमुच मेला देखने जा रहे हो? देख रानी, अगर तू माँ को नहीं बताएगी ना, तो मैं मेले से तेरे लिए अच्छी अच्छी चूड़ियाँ खरीद कर लाऊंगा और गुड़िया भी लाऊंगा तेरे लिए। हाँ, चूड़ियाँ गुड़िया। हाँ, मगर पैसे कहाँ है तुम्हारे पास? रानी, तू पैसे की चिंता ना कर, रवि के पास 50 का नोट है। राजू, 50 का नोट कहाँ है? 50 का नोट दिखाओ ना रवि भैया, जल्दी से दिखाओ ना, नहीं तो मैं माँ के पास जाऊँ। अच्छा अच्छा सुन भाई, वो अंदर कहाँ जाती है? अच्छा ये देख 50 का नोट। अरे हाँ, क्या ये सचमुच का नोट है? हाँ हाँ, सचमुच का नोट है। देख देख, हाथ लगा कर देख। लाओ तो रवि भैया, इसे मेरे हाथ में दो ना। अच्छा अच्छा ले। ऐसे। अरे रानी, रानी जा रही है, सुन तो सही। ओफो। और फिर जैसे ही रवि ने रानी को नोट दिया, रानी नोट लेकर माँ के पास भागी और कुछ ही देर में सारी पोल खुल गई। माँ ने जब रवि से कड़ी पूछताछ की तो रवि बोल पड़ा, माँ इसमें मेरा क्या कसूर है? वो तो काकी ने ही मुझे फालतू पैसे दिए, कसूर तो उसका है, तुम मुझे डांट रही हो। कसूर के बच्चे, तुम जानते नहीं वो काकी बूढ़ी है, उसकी आंखें कमजोर हैं। इस उम्र में भी वो दिन रात काम करके पैसे कमाती है और अपना गुजारा चलाती है, और तुमने उसी के पैसे मार लिए। मारे नहीं माँ, उसने खुद दिए। उसने खुद अपनी मर्जी से दिए या गलती से? वो दिए तो गलती से। तो फिर बताओ, जो पैसे तुम्हारे पास गलती से आ गए हैं और जिन पैसों का असली मालिक कोई और है, क्या तुम्हें उन पैसों का इस्तेमाल करने का हक है? क्या तुम्हें जाकर पैसे वापस नहीं करने चाहिए? अगर तुम पैसे वापस नहीं करते तो क्या तुम एक तरह से चोर नहीं कहलाओगे? दूसरों के पैसों से मौज मस्ती करना क्या ठीक है बेटे? मगर माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम तो ऐसे ही गुस्सा करती जा रही हो। देखो रवि, मैंने तुम्हें समझा दिया है कि तुमने क्या किया है और तुम क्या करने जा रहे हो। अब तो तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बस, मुझे और कुछ नहीं कहना। अगर तुम समझते हो कि उन पैसों पर तुम्हारा हक है तो तुम जाकर मेले में मौज मस्ती करो, पर मेरी नजर में आज से तुम चोर हो, चोर। और अगर तुम समझते हो कि उन पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं, तो अभी जाकर बुढ़िया काकी के पैसे लौटा के आओ। माँ ये कहकर अंदर चली गई। रवि सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ तो उसके दिमाग में मेले की मौज मस्ती गूंज रही थी, दूसरी तरफ माँ की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। अगर तुम समझते हो कि उन पैसों पर तुम्हारा हक है, तो तुम जाकर मेले में मौज मस्ती करो, पर मेरी नजर में तुम आज से चोर हो, चोर। और अगर तुम समझते हो कि उन पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं, तो जाओ बुढ़िया काकी को पैसे लौटा आओ, लौटा आओ, लौटा आओ। दोस्तों, रवि एक उलझन में फंस गया है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? अच्छा, बारी बारी से तुम सब बताओ कि अगर रवि की जगह तुम होते तो क्या करते? क्या तुम काकी को पैसे लौटाना पसंद करते? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो भी क्यों? इन सवालों पर गौर करो और फिर इन सवालों का हल खोजने के लिए अपने मित्रों, अध्यापकों और माता पिता से चर्चा करो। चोरी का पैसा, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, प्रस्तुति CIET
NCERT नई दिल्ली।